नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। दोस्त दोस्त ना रहा मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, और दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो दोस्ती को लेकर ऐसे सैकड़ों नगमे हिंदी फिल्मों में हमने देखे सुने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जब सचिन पायलट अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में होंगे तो कौन सा गाना इस पर सटीक बैठेगा, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। लेकिन ये खबर बताती है कि मामला कितना दिलचस्प होने वाला है। खबर सिंधिया की एक और दोस्त प्रियंका गांधी के आने की भी है। अब ये दोनों नेता अपने भाषणों पर सिंधिया पर कितना तीखा हमला बोलते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन पायलट अगर आते हैं तो सवाल उनसे और कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। तो सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उपचुनाव के इस रण में दो खास दोस्त आमने सामने होंगे। ग्वालियर में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात देने के लिए कांग्रेस उनके दोस्त सचिन पायलट का सहारा लेगी। सचिन पायलट को चुनावी मैदान में सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में उतारा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल में चुनाव प्रचार के लिए पायलट की सहमति ले ली है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन ही कांग्रेस को सत्ता में वापस ला सकता है। भाजपा को भी अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो इसमें महत्वपूर्ण चंबल अंचल की 16 सीटें हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। यहां सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए ही कांग्रेस अब नए समीकरण के तहत सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए लाने की तैयारी कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट चुनाव प्रचार करेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के लिए सचिन पायलट ने सहमति दे दी। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की उनसे फोन पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के आगामी 28 उपचुनाव में सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में प्रचार में उतरेंगे और उनका अपना एक प्रभाव है। पूर्व में भी वे मध्य प्रदेश में चुनाव में अपना समय दे चुके हैं। उनके पिताजी ने भी, श्री राजेश पायलट जी ने भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कई चुनाव क्षेत्रों में समय दिया था। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर गुर्जर वोट बैंक और युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने ये प्लान तैयार किया है। सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की कांग्रेस की कोशिश होगी। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सचिन पायलट चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पायलट के सहारे गुर्जर बहुल सीटों पर मैदान मार सकती है, लेकिन जिन इलाकों में पायलट की सभा प्रस्तावित है वहां बीजेपी की ओर से भी कई गुर्जर उम्मीदवार मैदान में हैं। फिर भाजपा भी गुर्जरों को लुभाने अपने गुर्जर नेताओं का उपयोग कर सकती है। वहीं पायलट से प्रचार कराने की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। वास्तव में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की इतनी दुर्गति है, इतनी हालत खराब है कि इनको दूसरे राज्य से प्रदेश अध्यक्ष स्तर के या उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता को बुलाना पड़ रहा है चुनाव प्रचार में, यदि ये कह रहे हैं तो। सचिन पायलट जी आएंगे, अपनी व्यथा भी बताएंगे और किस प्रकार जब वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मालिक परिवार के चहेते अशोक गहलोत जी ने किस प्रकार उनका अपमान किया था, किस किस प्रकार के शब्द बोले थे, उन के आने के बाद उन पर जिस प्रकार से हमला चौतरफा करने वाले कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के भी थे, वो भी खुलकर सामने आएगा। वो समाज, वो जाति जो अपना मान सम्मान स्वाभिमान समझती है सचिन पायलट को, राजस्थान के भीतर उसका अपमान किस प्रकार हुआ और आज किस प्रकार की हालत कांग्रेस में उनकी है, ये बात जरूर उजागर होगी। तो लाइए, बुलाइए और कमलनाथ जी की डींगे मारने वाली जो आदत है वो भी उसकी पोल खुल गई।
जवाब तो कांग्रेस को भी देना होगा कि आखिर क्यों उसने पहले राजस्थान में पायलट का अपमान किया था, क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें निकम्मा करार दिया था। ऐसे जवाब प्रियंका गांधी को भी देने होंगे। कुल मिलाकर रण दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रभु जी, एक ऐसा पायलट जो जयपुर से उड़ता है, दिल्ली चला जाता है, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से क्रैश होता है उसका प्लेन वापस जयपुर में, जिसको उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो निकम्मा है, नकारा है, उसमें अचानक एक महीने में इतनी ज़्यादा लायकी कांग्रेस को दिख रही है कि पड़ोसी राज्य से यहाँ बुला रहे हैं। अभी हमने देखा कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो वाकई क्या पायलट इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के हिसाब से, जो कि राजस्थान में कुछ नहीं कर पाए जो उनके गृह क्षेत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा चमत्कार कर देंगे? देखिए मनोज जी, सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं, इस बात को समझना होगा। और जिस जहाँ क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं वहाँ 35,000 ज़्यादा गुर्जर मतदाता हैं, जो लोग हैं जो काफ़ी प्रभावी संख्या में हैं। बिल्कुल। तो जो 35 लाख जो गुर्जर हैं वहाँ पे, उनका वोट बैंक जो है उनको आकर्षित करने के लिए सचिन पायलट को लाया जा रहा है। अब पिछली कमलनाथ सरकार से यदि हम तुलना करें तो कमलनाथ सरकार में यही भी गुर्जर नेता को मंत्री नहीं बनाया गया था। इंद्रल सिंह कंसाना जो उस समय कांग्रेस में थे तो उनके समर्थकों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया था अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ। अब कंसाना भारतीय जनता पार्टी में आकर मंत्री बन गए हैं। एक गुर्जर लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में पहले से है, और उसके अलावा उन्होंने इंद्रल सिंह कंसाना को भी मंत्री बनाकर एक तरजीह दे दी है। तो उसकी काट करने के लिए वहाँ पर सचिन पायलट को उतारा जा रहा है। पायलट सिंधिया को काटने के लिए नहीं आ रहे। सचिन पायलट का इतना मध्य प्रदेश में प्रभाव भी नहीं है, इतना बड़ा आकर्षण भी नहीं है, वो इतने अच्छे भाषण भी नहीं दे पाते जितने अच्छे भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया देते हैं कि उनके सामने वो खड़े हो पाए। दोनों अच्छे दोस्त हैं, पुराने सहपाठी हैं, साथ में रहे लंबे समय तक, कांग्रेस की राजनीति को सीखा पला बड़ा उन लोगों ने एक साथ किया हुआ है, तो वो चीज़ें अपनी जगह हैं। ये दोनों नेता राहुल गांधी के भी उतने करीबी, उतने ही साथी हैं, लेकिन वहाँ तो दोनों ही नेताओं की नहीं जमी राहुल गांधी के पास, तो वो फैक्टर अलग है। लेकिन यहाँ यदि हम मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान की बात करेंगे तो केवल और केवल गुर्जर वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस सचिन पायलट को यहाँ उतार रही है। मुझे नहीं लगता कि ये दांव कांग्रेस के कुछ वोट बचा ले जाएगा, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में यदि हम कहें कि पूरी 16 सीटों पर असर डालेगा तो ऐसा कोई संभव दिखाई नहीं देता है। और यदि कोई गुर्जर लीडरशिप जिस तरीके से अपने आप को मान रही थी कि मुझे हमको हमें से किसी को मंत्री बनाया जाए, तो जब सरकार में मंत्री पद पर जो व्यक्ति तैनात है वही चुनाव मैदान में है, तो उसके खिलाफ यदि दूसरे गुर्जर को कांग्रेस खड़ा करी तो उसको वोट देने जाएगा वहाँ का मतदाता, ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं देता है। तो एक हवा हवाई कांग्रेस की शगुफेबाजी है, चूंकि आपको चुनाव लड़ना है, मैदान में है आप, और आपके पास मध्य प्रदेश की कोई गुर्जर लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए बाहर से आयतित करके नेता उतारने की जो जरूरत पड़ी है तो उसके तहत ही सचिन पायलट यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। पायलट तो लैंड कर रहे हैं ब्रजेश जी, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगर वो वोट भी मांगेंगे तो जनता तो उनसे भी सवाल करेगी ना कि आपके साथ जो कुछ हुआ है राजस्थान में, एक गुजर होने के नाते, अगर गुजर वोटर ही उनसे बात करेंगे सजाती होने के नाते, तब सचिन पायलट का रुख क्या होगा, वो क्या जवाब देंगे? जाहिर है मनोज जी, ये सवाल तो होगा ही उनसे। और आपको याद हो जब राजस्थान में ये सब घटनाक्रम चल रहा था, सचिन पायलट अपने सदस्यों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ गायब थे, तब मध्य प्रदेश में भी वो उनके समर्थन में आंदोलन हुए थे, जगह जगह जिलों में हुए थे, ग्वालियर चंबल संभाग में भी उनके समर्थन में लोग खड़े हुए थे कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए वहाँ पे। गुर्जरों के साथ भेदभाव हो रहा है कांग्रेस में, राजस्थान में उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो जब वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, आज वहाँ पे सचिन पायलट मुख्यमंत्री तो बने ही नहीं, और जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी थी वो भी उनके हाथ से चली गई है। बिल्कुल। ना प्रदेश अध्यक्ष रह पाए वो, बन पाए, तो अब ऐसी परिस्थिति में वो हाँ किस आधार पर अपनी समाज के लोगों से, गुर्जरों से अपील कर सकते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो, जबकि कांग्रेस में गुर्जरों की उपेक्षा हो रही है। जैसा कि पटेरिया जी ने भी बताया कि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार में एक भी गुर्जर मंत्री नहीं था, इकलौते मंत्री जो मांग रहे थे पद उनको भी नहीं दिया, तो वो भी चले गए, भाजपा में आ गए हैं, और अब भाजपा ने उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्री पद भी दे दिया। तो यहाँ तो पलड़ा भाजपा का भारी दिख रहा है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर सभी जगह जातिगत समीकरणों के आधार पर पार्टियाँ टिकट देती रही हैं, उस आधार पर नेताओं को
प्रचार के लिए बुलाती रही हैं, भाजपा भी बुलाएगी, कांग्रेस ने भी बुलाया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल पब्लिक खुद देखती है कि उनको कहाँ पे फायदा दिख रहा है, कौन सा दल उनको मंत्री पद दे रहा है, ये महत्वपूर्ण रहता है। जी प्रभु जी, एक और चीज़ हम चाहेंगे दर्शकों को आप समझाइए कि अगर इस पूरी कसरत हमने देखी कि 2018 के चुनाव में उस इलाके में कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कारण बताया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता अब इसको नकार रहे हैं कि वो वोट कांग्रेस को हुआ था, तो अगर पायलट को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब भी क्या अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो उस वोटर को लुभा सके, खासतौर से गुजर वोटरों को, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों कमलनाथ, या पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह हों, या कोई ऐसे तमाम नेता उनके, कि जो उस वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या फिर ये मान लिया जाए कि वो जो कह रहे थे कि सिंधिया के कारण वोट नहीं मिला है, तो मान लिया जाए कि सिंधिया के कारण ही वो बंपर जीत मिली थी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के पास ऐसा नहीं कहें कि नेता नहीं है, कांग्रेस के पास बड़े नेता यदि हम कहें जो उस क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के पास जिस तरीके से कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, पीसीसी चीफ हैं, लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो एक वो नेता हैं जो पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के पास डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे नेता हैं उस क्षेत्र के, जयवर्धन सिंह जैसे युवा नेता हैं जिनका प्रभाव गुना जिले में तो खासकर बहुत अच्छा ही है, आसपास भी उस असर दिखा सकते हैं वो, तो ऐसे कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अब कांग्रेस किनको कहाँ इस्तेमाल करती है और जो 15 महीने की सरकार में होने के कारण जो फायदा या नुकसान होना है वो यहाँ पर नजर आने वाली बात है। मैंडेट भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, मैंडेट ये है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, जिन वचनों के आधार पर वो आई थी, वो वचन पूरे हुए या नहीं हुए, उन वचनों को भंग होने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया, उनके साथ जो लोग छोड़कर चले गए, उस पर बात होनी है, जनता उस पर फैसला करेगी कि हमसे जो वादे किए गए थे उसको क्या हुआ, ये वहाँ का चुनाव इस बात पर निर्भर करने वाले हैं। और रही बात स्टार प्रचारकों की, तो जैसा आप अभी ब्रजेश जी से पूछ रहे थे कि वो गुर्जर समाज के लोगों से बात करेंगे, तो मनोज जी ये स्टार प्रचारक जो होते हैं, जो आते हैं, वो मंची नेता होते हैं, मंच पर भाषण देते हैं और चले जाते हैं, यहाँ कोई परिवार बैठक करने के लिए उनको नहीं लाया जा रहा है कि उनको ला के अभी से वहाँ पर तैनात कर दिया जाए, वो पूरे समय क्षेत्र में रहें, समाज की छोटी छोटी बैठकें करें, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध जो होता है उस तरीके की बैठकें करें, लोगों के साथ रोटी शेयर करें एक साथ बैठकर, फिर वो अपनी बात करें लोगों को, तब वो समझाएं कि भाई आप क्यों उनके सिंधिया के पक्ष में जा रहे हैं, आप क्यों भाजपा को जा रहे हैं, आप कांग्रेस में रहिए, कांग्रेस में गुर्जरों का बड़ा सम्मान है, तो ये बताने के लिए आपको होना चाहिए ना, चेहरा दिखाने के लिए जी, वो इसीलिए कांग्रेस में कौन सा गुर्जर नेता का सम्मान हुआ है मध्य प्रदेश में, तो वो बताना पड़ेगा आपको, तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर वहाँ पर है नहीं। तो कांग्रेस की बाकी लीडरशिप वहाँ पर उतरने वाली है, स्वाभाविक तौर पर चुनाव मैदान में उतर ही रही है, कमलनाथ जी अभी गई थे, दिग्विजय सिंह भी अंदर खाने काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात वहाँ पर दिखाई देगी वो यही है मनोज जी जो मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के जो वादे थे जी, जिन वादों पर सरकार बनी थी, अब उन्हीं वादों पर फोकस, हम शिवराज सिंह चौहान की सभाएं को देखें या कमलनाथ जो बोल रहे हैं उसको देखें, तो पूरा फोकस वहीं पर है, वो कर्ज माफी पर आ रहे हैं, वो युवाओं के रोजगार पर आ रहे हैं, वो बेरोजगारी भत्ते पर ही बात कर रहे हैं, वो लाडली लक्ष्मी योजना के 51,000 रुपये की बात कर रहे हैं, तो तमाम सवाल जो हैं जनता के बीच के जो प्रदेश से जुड़े हुए, वो यहीं आकर टिक रहे हैं कि आपने जो वचन पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए, और कितने किए जी। ब्रजेश जी एक बात कही प्रभु जी ने कि कई सारे उनके साथ लीडर हैं, या जयवर्धन की बात हो, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात हो, लेकिन आपको लग रहा है जो कांग्रेस की लीडरशिप की जो स्थिति है, तो उनमें से नकुलनाथ को जब उनको स्थापित करना है, कमलनाथ को हमने देखा ग्वालियर चंबल के रोड शो में, जो प्रभु जी ने उस दिन हमने जिक्र भी किया था, तो उनके रहते कमलनाथ कभी चाहेंगे कि कोई और लीडरशिप ग्वालियर चंबल में इस्टेब्लिश हो, तो उनको वो कभी आगे करना नहीं चाहेंगे, और हमने इस रोड शो में भी देखा, और हो सकता आने वाले जब चुनाव प्रचार में भी देखेंगे, तब क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की, क्योंकि आप एक युवा लीडरशिप को लाने की बात कर रहे हैं, आपके पास जो युवा नेता है आप उनको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, उस दिन हो सकता था जब, क्योंकि अशोकनगर में एक बड़ी रैली निकाली थी जयवर्धन सिंह ने, लेकिन उनका उपयोग ग्वालियर में उस हिसाब से नहीं किया गया जिस प्रकार से कर सकते थे। मनोज जी सही कहा आपने, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ गुटबाजी क्षेत्रीय नेताओं का वो रहता, अब एक क्षेत्र खाली हो गया तो बाकी के जो नेता बचे हैं उनमें ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है कि वो क्षेत्र हमारे में जाए और हम बड़े छत्रप हो जाएँ, हमारा क्षेत्र का दायरा फैल जाए। मुझे लगता है इसी कारण ये जो दिख रही है गुटबाजी कि एक क्षेत्र में आपके जयवर्धन सिंह रैली निकाल रहे हैं, दूसरे में नकुलनाथ हैं कमलनाथ जी के साथ, और उस आंदोलन से जो रोड शो हुआ है उससे गोविंद सिंह गायब थे,
अजय सिंह गायब थे, इनका भी एक नेटवर्क है, कभी अर्जुन सिंह छेत्री छत्रप थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो अजय सिंह का भी एक फ़ायदा वहाँ उठाया जा सकता था जो आजकल दिग्विजय सिंह के साथ हैं, तो दिग्विजय सिंह भी वहाँ से नादा रहते हैं। जैसे पटेरिया जी ने बताया कि हो सकता है वो अंदरखाने लगे हों, काम कर रहे हों, कर भी रहे होंगे, जाहिर है इसमें कोई वो शक नहीं है, लेकिन अभी यहाँ युवाओं की वो दौड़ चल रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, भाजपा में भी युवा प्रचार करने उतर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कि जयवर्धन सिंह उधर उतरे हैं, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र हैं और वो भी यहाँ जा रहे थे सांची, आज उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ है और उन्होंने गुना में भी प्रचार किया था, तो दोनों तरफ युवा भी मैदान में हैं, लेकिन एक तरफ ऐसा देखने में लग रहा है कि अपने अपने सुपुत्रों को आप लॉन्चिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है वो सभी जगह प्रचार कर रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग में थोड़ी एक कमी दिख रही है कि वहाँ क्षेत्रीय नेता जैसे गोविंद सिंह जी को आप उपयोग कर सकते थे, रामनिवास रावत हैं उनको आप आगे ला सकते थे जो कि सिंधिया जी के साथ थे और आजकल आपके साथ हैं, तो वहाँ पे जो कमी दिख रही है उसकी पूर्ति के लिए हो सकता है कमलनाथ जी ने नकुल को वहाँ लगाया हो, लेकिन ऐसी वो नहीं लग रहा है कि वहाँ पे नकुलनाथ कुछ ज़्यादा करिश्मा दिखा पाए। प्रभु जी, नकुलनाथ नकेल कस पाएंगे बाकी युवा नेताओं की, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। और इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि मंची नेता है, तो जब मंची नेता है, जब आप भाषण देते हो चले जाते हो, जब आपकी कोई कनेक्टिंग होती नहीं है, मैन टू मैन की संभावना भी होती नहीं ऐसे चुनावों में, तब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा छाप वो छोड़ पाएंगे। और दूसरी एक बड़ी बात, अगर वो वहाँ पहुँचते हैं और अगर सिंधिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, तब आपको लगता है कि जो कांग्रेस की रणनीति है पायलट को ग्वालियर चंबल के मैदान में उतारने की, वो सफल हो पाएगी? बिल्कुल मनोज, ये देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट वहाँ पर सिंधिया के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते, और बोलते हैं तो कितना बोलते हैं, बिल्कुल किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये पूरा के पूरे जो है कांग्रेस की जो रणनीति है या कांग्रेस के आगे की जो राजनीति है वो पूरी इस पर निर्भर करेगी। मध्य प्रदेश यदि हम राजस्थान दोनों को मिलाकर देखें तो, क्योंकि यदि दोनों बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, एक दूसरे के हितचिंतक रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसे में शब्दों की मर्यादा का कितना ध्यान रखा जाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ और है इस पूरे मामले में, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की बात करें, शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह की बात करें, या दिग्विजय सिंह सुंदरलाल पटवा की बात करें, या दिग्विजय सिंह बाबूलाल गौर की बात करें, या दिल्ली में भी देख लें, राजस्थान में भी देख लें, तमाम नेता जो है उनके आपसी ताल्लुकात एक अलग होते हैं विरोधी दल के नेता के साथ, और जो सभा में पब्लिक के सामने बोलते हैं तो अलग होते हैं, मंच पर वो जरूर सामने वाले को हड़काते हैं, उसके लिए तरह तरह की बातें करते हैं, कसीदे कसते हैं, उन पर तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन जब अगले ही दिन यदि वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो ये जो राजनीति का चरित्र है अपने आप में कि वो जो दिखता है वैसा होता नहीं है, तो इसलिए यदि वो सिंधिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल भी लेते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद वो ग्वालियर में या दिल्ली में दोनों एक दूसरे एक साथ बैठे हुए दिखाई दे जाए शाम को किसी चाय पार्टी के साथ। हमने भी देखा राज्यसभा में निर्वाचन के दिन जो तस्वीर आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। हाँ बिल्कुल मनोज जी, तो ये स्थितियाँ हो सकती हैं क्योंकि राजनीति में ये एक कहा जाता है कि आपका जो है मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पर, तो उसका पालन सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं कि उनको मालूम है आज हम सत्ता में हैं, 5 साल बाद दूसरा सत्ता में होगा, तो सत्ता किसी की बपौती जैसी तो चीज़ है नहीं, अब कोई वैसा तो है नहीं कि पुराना शासनकाल चल रहा हो कि वो सल्तनतें चलती रहीं एक दूसरे से परिवार की, अब वैसी स्थिति है नहीं, जनता को चुनना है हर 5 साल में, तो आज आप हैं, जनता का आपसे मन भर गया तो अगली बार दूसरे को चुन लेती है, तब आपकी उनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपसी संबंध बहुत मधुर रखे जाते हैं राजनीति में नेताओं के द्वारा, तो वो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, चलिए मैं आऊँगा आप दोनों के पास, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यू की क्या कुछ इस पर राय है वो पहले हम दर्शकों को सुनवाते हैं। सचिन पायलट को ग्वालियर चंबल संभाग में बुला के कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, ये तो जब भी वो वहाँ कदम रखेंगे 27 से 22 सीटों पर तब समझ में आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी ऐसी धारणा है कि यही सचिन पायलट जिनको आज कांग्रेस अपना स्टार कैंपेनर मान के और सिंधिया के सामने उतार रही है, ये 2 महीने पहले तक नाकारा थे, निगम्मे थे और कांग्रेस को आपस में लड़वाने वाले नेता कहे जा रहे थे, और ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे थे, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के शब्द थे जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री हूँ और मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, सचिन पायलट नाकारा है, निकम्मा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो सचिन पायलट अचानक इतने काम के हो गए और इतने ज़्यादा
ग्लैमराइज ग्लैमर वाले नेता हो गए कि उनको उनकी डिमांड होने लगी। तो दो महीने पहले जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ था उसके बाद तो सचिन पायलट की खुद की निष्ठा संदिग्ध हो गई है, कांग्रेस के प्रति हो गई है, सरकार के प्रति हो गई है, ये सरकार के खुद के शब्द थे। तो उसके बाद क्यों मध्य प्रदेश की कांग्रेस उनको बड़ा नेता मान रही है, बड़ा विश्वसनीय नेता मान रही है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। और ये भी समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि जैसे ही सचिन पायलट ग्वालियर चंबल संभाग में कदम रखेंगे तो बीजेपी उनको उन्हीं के सवालों में उलझा के और जब आक्रामक होगी तो शायद कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ जाए। हो सकता है कि ये कदम कांग्रेस का उल्टा पड़ जाए, क्योंकि उनकी स्वीकृति गुर्जर समाज में भी राजस्थान के खास बेल्ट में है, जहाँ के वो जहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे वो या उनके परिवार के सदस्य, दौसा वाला बेल्ट या अजमेर वाला बेल्ट। बाकी वो गुर्जर समाज में सर्वव्यापी नेता हैं ऐसा तो कहीं आज तक दर्शाया नहीं गया राजनीति में, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया उनकी राजनीति में। फिर क्यों कांग्रेस को ये सलाह मिली है और क्यों उस पर अमल हुआ है, इस मुझे बहुत आश्चर्य है इस कदम। तो सवाल वही है जो हम भी पूछ रहे हैं। तो ब्रजेश जी इसी में प्रतिक्रिया जो कुछ ललित जी ने कहा, तो सवाल ये भी है कि जब एक नेता जिसकी उसकी निष्ठा उसी के दल में संदिग्ध हो, उसी के नेताओं ने उसकी निष्ठा संदिग्ध कर दी हो, और वो ऐसी समय जब वोट मांगने आएगा जबकि कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि दल बदलू, बागी, जयचंद गद्दार, तब स्थिति क्या होगी? मुझे लगता है मनोज जी कि भाजपा ने जो अपना कैंपेन आज से जो स्टार्ट किया है, आज जो उन्हें लॉन्च किया है, उनका मुख्य मुद्दा है धोखा। कमलनाथ जी ने धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है, बुजुर्गों के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है और किसानों के साथ धोखा किया है। ये जो धोखे वाला जो मुद्दा लेके आए हैं वो भाजपा वाले, शायद कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं बचा है, तो इसलिए वो जातिगत समीकरण पर ज़्यादा बिलीव कर रही है, जैसा कि उस क्षेत्र में होता भी है। जैसे हम बिंद में चले जाएँ या ग्वालियर चंबल में चले जाएँ तो जातिगत आधार पर वोट बैंक इधर से उधर होते भी हैं। एक वोट बैंक होता है फिक्स और दूसरा होता है जो आपका डाइवर्ट हो जाता है इधर। इसके अलावा जातिगत आधार पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो हो सकता है कि गुर्जर आंदोलन पहले भी हुआ है उस क्षेत्र में, प्रदर्शन भी हुए हैं, समर्थन में भी आए हैं लोग, तो गुर्जर का साथ लेने के लिए कांग्रेस के ने ये दाव चला हो, क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा उस मुद्दों को जवाब देने का कोई वो नहीं। तो जातिगत आधार पर ये चुनाव कराने की रणनीति हो ऐसी उनकी, इस कारण उन्होंने सचिन पायलट को यहाँ आमंत्रित किया हो। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में ही 35 लाख गुर्जर हैं और पूरे देश में 10% गुर्जर हैं, तो और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि गुर्जरों के आंदोलन का भी मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ था। तो इस कारण मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट यहाँ पर कोई करिश्मा कर पाएंगे। करिश्मा की बात हो रही प्रभु जी, तो करिश्मा आपको लग रहा है कि इस चुनाव में होता दिख रहा है आपको, चाहे वो सिंधिया का हो, चाहे वो शिवराज हो, चाहे वो कमलनाथ हो? क्योंकि जो चीज़ आपने कही थी कि मुद्दा वही है कि जनता पूछे कि आपने 15 महीने में क्या काम किया, या आपने 5-7 महीने जब इलेक्शन होंगे तब आपने क्या किया, आपने 15 महीने पहले 2018 में 2 साल लगभग पहले की क्या वादे किए थे, उनको कितना धरातल पर उतारा, और बीजेपी उसका जवाब देगी, सवाल करेगी। देखिए मनोज जी, सियासत में करिश्मा तो जब नतीजे आते हैं ईवीएम के तब पता चलता है कि वाकई में करिश्मा हुआ है, उसके पहले तो सब अनुमान ही है। लेकिन यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया करिश्माई नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान को करिश्माई नेता से कम आंक नहीं सकते आप। वो मध्य प्रदेश में उनने एक रिकॉर्ड बनाया है लगातार 13 साल उनके विरोधी भी ये गलती नहीं करेंगे। और सचिन पायलट को लेकर जैसा अभी हम सुन रहे थे जी, तो सचिन पायलट भी राजस्थान के लिए तो करिश्माई नेता है बिल्कुल। वहाँ पर भी कांग्रेस ने एक पिछले चुनाव में बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन लगाया था, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, युवा जोश के साथ उनने अनुभव को जोड़ा था। कमलनाथ जी अनुभव की खान थे तो युवा जोश ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। राजस्थान में भी यही स्थिति थी, वहाँ जो सचिन पायलट युवा जोश थे तो उनके जो अशोक गहलोत अनुभव की खान थे। अंततः उनने जो मुख्यमंत्री बनाने की बात आई दोनों राज्यों में तो अनुभवी को मुख्यमंत्री बनाया, दोनों जगह पर युवा जोश जिसकी ताकत दिख रही थी उसको लगा कि उसके कारण प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसने बगावत की। सचिन पायलट भी वहाँ बगावत की, लेकिन अंततः वहाँ की जो परिस्थितियाँ रही होंगी जो भी उनके समझ में आया, क्योंकि वहाँ मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं थी बिल्कुल, तो उनको वापस लौट घर लौट कर आना पड़ा। लेकिन वो सब्र वहाँ पर भी अभी भी नहीं कर रहे होंगे, वो उनकी उम्मीदें वहीं बरकरार होंगी क्योंकि उनकी मेहनत है। 5 साल उनने मेहनत करके वहाँ पे सरकार बनाने के लिए पूरे प्रदेश को छाना था, तो स्वाभाविक तौर पर उनके एक फॉलोइंग है अपने आप में। और आने वाले समय जो राजनीति है इसमें युवाओं के पीछे युवा चलते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे युवा कम चलते हैं,
वो जो बुजुर्गों को अपनी एक चेन बनानी पड़ती है, एक स्टेप बाय स्टेप बनानी, अपने नीचे एक सेकंड लाइन बनानी पड़ती है जो उसके बाद फिर थर्ड लाइन। लेकिन केंद्रीय राजनीति में थोड़ा अलग है, युवा राहुल गांधी के पीछे युवा नहीं जा रहे, मोदी के पीछे जा रहे हैं। वो वहाँ पे वो जो जो अभी कंगना रनौत ने एक नाम दिया है नेपोटिज्म जी, वहाँ वो नेपोटिज्म का मामला है जिसको हम लोग वंशवाद परिवारवाद कहते थे। कांग्रेस उससे बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। गांधी परिवार यदि है तो कांग्रेस है, यदि गांधी परिवार संन्यास ले ले राजनीति से तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस रह पाएगी जी। चलिए कांग्रेस रहेगी या जाएगी थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन हमको भी जाना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कि जब सचिन पायलट मध्य प्रदेश की राजनीति में जब प्रचार करने आएंगे तो देखना होगा कि इस बार भी उनका जो प्लान है पायलट वो कांग्रेस के लिए शुभचिंतक साबित होते हैं, फ़ायदेमंद साबित होते हैं, या वो उनके लिए क्रैश करा देंगे, या हो सकता है कि कोई ऐसी मिसाइल गिरा जाए जो कांग्रेसी खेमे के लिए ताबूत की कील भी बन सकती है। और जब वो वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए तो एक सवाल का जवाब उनको भी देना होगा कि आखिर वो किस मुंह से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक का जो घटनाक्रम है वो सारे लोगों को पता है, सारे दर्शकों को पता है, सारी जनता को पता है, वोटर को पता है। तो क्या केवल कांटे से कांटा निकालने के लिए ये प्रयोग कांग्रेस कर रही है या वाकई गंभीर है, ये तब पता लगेगा जब सचिन पायलट चुनावी रण में उतरेंगे मध्य प्रदेश के, और जब वो अपना भाषण देंगे तब वो सिंधिया के लिए क्या कहते हैं, इससे सब कुछ तय होगा कि उनके निशाने पर आखिर कौन है और कांग्रेस जिस मकसद से उनको मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए लाइए वो हल होता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।